टॉप 3 बेस्ट सुपर एमोलेड 5G स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। तो दोस्तों, क्या आप भी यहाँ पर 5G के साथ साथ सुपर एमोलेड की पैनल चाहते हैं, साथ ही अच्छे खासे मल्टीमीडिया स्पीकर्स और तगड़ी परफॉर्मेंस चाहते हैं? सो गाइस, आज की ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, कि वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों इस बजट के अंदर ज़्यादा रैम, अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले, अच्छे कैमरास और तो और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स का नोट 12 5G। बात करें इस फ़ोन की तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन फोन के बहुत कमाल के दिए गए हैं। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस के फुल HD प्लस वाली AMOLED की पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 700 नीट्स तक की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज़ की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक QHD सेंसर आपको मिल जाता है। सेल्फी के लिए आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का एक अच्छा खासा सेल्फी शूटर। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है और डे लाइट पे फोटोज भी काफी अच्छी निकल कर आती हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें, सो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं गाइस। इस फोन के अंदर आपको मिला 6 NM-based MediaTek का Dimensity 810 का चिपसेट, और ये चिपसेट इस बजट के अंदर आने वाले वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट में से है, जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, आप यहां पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। अंतुतु की बात करें गाइस, तो ये स्मार्टफोन लगभग 3.5 लाख के आसपास अंतुतु पर स्कोर भी कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहां पर दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहां पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें, बैक साइड में आपको यहां पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और गाइस, ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, हालांकि थोड़े मोटे ब्लॉटवर्स होते हैं, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। अच्छी बात यह कि स्मार्टफोन भी अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो देखा जाए तो ट्रू 5G फोन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6GB रैम प्लस 3GB की वर्चुअल रैम और 64GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है, आपको देने होंगे 14,999 रुपये। सो फ्रेंड्स, बढ़ते आगे और बात करते हैं अगले फोन की। तो दोस्तों, अगला स्मार्टफोन हमने रखा हुआ है रेडमी की तरफ से आने वाले रेडमी नोट 12 5G की। दोस्तों, ये जो फोन है ये आपको डिजाइन और लुक के मामले में तो काफी कमाल का मिलता ही है, साथ ही साथ फोन की बिल्ड क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग दी गई है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 inches की फुल HD प्लस वाली एक AMOLED पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 1200 नीट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पर 395 PPI डेंसिटी का सपोर्ट दिया गया है, तो ओवरऑल यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी है कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। सो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कहीं कोई शिकायत नहीं आने वाली। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास। मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको एक मैक्रो शूटर देखने को मिलता है। सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है f2.5 अपर्चर के साथ में एक वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर सेल्फीज भी काफ़ी वाइड आती हैं, काफ़ी अच्छी निकल कर आती है, तो ये अच्छी बात है। वैसे दोस्तों, डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज़ के मामले में कोई शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे आपको यहाँ पर नाइट मोड वगैरह भी दिया गया है। रही बात यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। हाँ तो फ्रेंड्स, बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, ये वही चिपसेट है जो कि हमें iQOO के Z6 Lite के अंदर देखने को मिलता है। 6 NM बेस्ड है, तो फोन का बैटरी बैकअप काफी कमाल का रहता है, और साथ ही साथ ये फोन 3.5 लाख के आसपास अंतों पर स्कोर करता है, तो डेली परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग कराता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एड्रेनो 619 का GPU। वैसे इस फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी मिल जाएगा, तो परफॉर्मेंस वाइज आपको यहाँ पर कहीं कोई शिकायत नहीं आने वाली। पावर हाउस की बात करें गाइस, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, 33W चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 बेस्ड MIUI 13 पर आता है, लेकिन बहुत जल्द हमें यहाँ पर MIUI 14 यानी कि एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है,
तो अगर आप यहाँ पर Redmi की तरफ से कोई ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन लेना चाहें इस बजट में, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों। तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 17,000 रुपये, लेकिन इस समय बैंक ऑफर्स पर ये फोन आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये की प्राइस पर। और 15,000 रुपये के हिसाब से देखेंगे तो Redmi की तरफ से काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के आखिरी और वन ऑफ द बेस्ट फोन की, या फिर यूँ कहें कि एक अच्छे खासे ऑलराउंडर पैकेज की। तो दोस्तों ये फोन यहाँ पर पोको का X5 प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और साथ ही साथ ये फोन भी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की डस्ट सैंपलिंग रेट। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है, वैसे डेलाइट में फोटोज भी काफी कमाल की निकल कर आती हैं और साथ ही साथ काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर भी आपको वही सेम चिपसेट मिल जाता है 6nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का, जो कि अराउंड यहाँ पर 400,000 के आसपास अंतुतु पर स्कोर करता है, यानी दोस्तों आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस डिसेंट मिल जाती है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है, तो परफॉर्मेंस आपको बजट के अंदर अच्छी निकाल कर देता है। वहीं पर फोन के पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है। कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और हाइब्रिड कार्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। वैसे ये फोन एंड्रॉइड 12 पर ही लॉन्च किया गया है, लेकिन आपको यहाँ पर पोको की कस्टम स्किन MIUI 13 का सपोर्ट मिल जाता है। वैसे आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड के साथ में आता है। सो अगर आप इस बजट के अंदर कोई एक बेस्ट स्मार्टफोन चाहते थे तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए इस समय आपको देने होंगे 15,999 रुपये। और ये 3 स्मार्टफोन जहां पर आपको एमोलेड की पैनल भी मिलेगी, अच्छे खासे 5G बैंड्स, अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी, तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चेकआउट कर सकते हैं। सभी के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।